Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture, and this time we are going to discuss a new topic which is from ecology. ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, ये इकोलॉजी के अंडर आता है ये टॉपिक. और ये पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक है एक इकोलॉजी में टॉपिक, उसके सब पार्ट्स में आता है. ठीक है, तो इसमें हम एक या दो वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. बाकी इसमें थोड़े से और एक दो और टॉपिक है, नेटैलिटी जैसे मोर्टैलिटी उसके फर्दर टाइप है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, बट जो आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, किसी जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पॉपुलेशन, ये एरिया काफ़ी डेंस है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से. ठीक है, तो जैसे कोई भी सपोज करो कोई भी एरिया है हमारे आसपास, कोई एरिया है, तो अगर हमें वहाँ की कोई पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो सपोज कर लो ये पर्टिकुलर एरिया है. ठीक है, और ये एरिया में हमने कैलकुलेट करनी है पैरट की पॉपुलेशन, सपोज करो. ठीक है, ये 1 किलोमीटर कोई एरिया है और वहाँ पे हमें पैरट की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो उसको हम बोल उस पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे हमें कितने मिलते हैं, 50 पैरट्स मिलते हैं इन 1 किलोमीटर एरिया में, तो हमें उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पता चल जाएगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में पैरट कितना, पैरट की पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, हम किसी और की जैसे पैरट हो गया, जैसे हमने स्पैरो की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो सपोज करो स्पैरो की पॉपुलेशन है 60 इस पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ स्पैरो इज मोर देन दैट ऑफ पैरट. और ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, पैरट की, तो रफली हम 3 किलोमीटर एरिया में कितनी होगी. ठीक है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर एरिया में 50 पैरेट हैं, तो 3 किलोमीटर एरिया में कितने होंगे, 150 होंगे, है ना, रफ पॉपुलेशन होगी ना. रफली हम इसको कैलकुलेट कर लिया कि इतनी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि हो सकती है. ठीक है, जैसे क्या होता था कि हम जब स्कूल टाइम पढ़ते होते थे तो हम ग्रास की स्पीसीज कैलकुलेट करते होते थे, है ना, रेक्टेंगुलर एक बोर्ड लेते थे, उसको पर्टिकुलर एरिया पर रख देते थे और हमें टीचर्स बोलते थे कि इस स्पीसीज, इस पर्टिकुलर ग्रास स्पीसीज की पॉपुलेशन कैलकुलेट करो. तो वही वही सब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है. तो हम इस हिसाब से हम पॉपुलेशन को, एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, कि एक 1 किलोमीटर एरिया है तो उसमें कितनी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, अगर उसको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने डेंस है, ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, इतना डेंसिटी है ह्यूमन की पॉपुलेशन की. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम. ठीक है, तो ये गिवन टाइम जो लिखा है ये क्यों लिखा है, ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इमिग्रेशन हो सकती है. ठीक है, अगर ये हमने गिवन टाइम, अगर हमने 2 इयर्स ले लिया, तो 2 इयर्स में इमिग्रेशन हुई होगी लोगों की. ठीक है, एमिग्रेशन हुई होगी. ठीक है, या नेटैलिटी, कोई किसी की जन्म हुआ होगा, किसी की डेथ रेट इंक्रीज हुई होगी, किसी का बर्थ रेट इंक्रीज हुआ होगा, मोर्टैलिटी हुई होगी, है ना. तो इसी कारण यहाँ पे लिखा है एट अ गिवन टाइम ड्यू टू द रीज़न इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मोर्टैलिटी, नेटैलिटी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, इतना क्लियर है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं. तो नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ डेंसिटी, कितनी टाइप की डेंसिटीज होती हैं. दो तरह की डेंसिटीज होती हैं. ठीक है, फर्स्ट है क्रूड डेंसिटी, सेकेंड है स्पेसिफिक डेंसिटी, और क्या बोलते हैं इसको,
इकोलॉजिकल डेंसिटी, स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो क्रूड डेंसिटी को देख लेते हैं पहले, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्रूड डेंसिटी, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है मतलब रफली, जैसे हम आइडिया लेते हैं, जैसे इम्परफेक्टली किसी चीज़ का आइडिया लेना, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली नहीं लेना, इम्परफेक्टली लेना, ठीक है। तो क्रूड डेंसिटी का वैसे मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, या फिर बोलेंगे डेंसिटी, टोटल डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस इज नोन एज क्रूड डेंसिटी, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कोई नेशनल पार्क है, सपोज करो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है राइनोसेरोस के लिए, ठीक है, राइनो के लिए। तो उस पूरे नेशनल पार्क में कितने राइनो हैं, उसको हम बोलेंगे क्रूड डेंसिटी, ठीक है, दैट इज डेंसिटी पर यूनिट, पर डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, इट इज द डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, कि उस पूरे टोटल एरिया में, पूरे नेशनल पार्क में कितने राइनोसोरो जो हैं वो रिजाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्रूड डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है कि स्पेसिफिक डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसमें इसमें होगा डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेट स्पेस, और इकोलॉजिकल स्पेस भी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे यही एग्जांपल लेंगे कि जैसे कोई राइनो है ना, तो राइनो अगर काजीरंगा नेशनल पार्क में रह रहा है तो वो कुछ स्पेसिफिक कुछ एरियाज को अवॉइड भी तो करेगा, वो कोई सारे एरिया में थोड़ी ना उसका शेल्टर होगा, या सारे एरिया में उसको फीड के लिए कुछ मिलेगा, है ना, फूड उसको सारे एरिया में नहीं मिलेगा, है ना, खाने को रहने को, उसको कुछ एरिया वो अवॉइड भी करता होगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी, दैट इज द राइनोसेरोस somehow for some reason avoid some space in the national park, ठीक है। तो उस particular चीज़ को हम बोलेंगे density per unit habitat space, कि वो अपनी habitat के लिए या अपने shelter के लिए उस उन reasons के वजह से वो कुछ areas को avoid कर रहा है, वहाँ पर नहीं जाता है, उसको हम specific density बोलेंगे। तो वो एरिया जो है वो अवॉइड हो गया तो उसको हम नहीं लेंगे, तो सिर्फ हम उसकी जो हैबिटेट है ना, और उसका शेल्टर वाला रीजन है वही लेंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो जो ये ये जो है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी, तो इसमें हम यहाँ पे वो अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, उनका जो कॉलोनाइज्ड एरिया है उसको ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसीलिए बोला है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल एज टाइप ऑफ डेंसिटीज, ठीक है, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको जो भी मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, आप सबको उसका पता चल गया होगा अच्छे से, बड़ा ही बेसिक तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो हम किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो एक है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल रहते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, और इस दौरान हम क्या एक स्मॉल एरिया लेंगे, ठीक है, हम एक लार्ज एरिया में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौरान मतलब किसी भी लार्ज एरिया का सर्वे करना जैसे काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए हम स्मॉल एरिया प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक इसका पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने का एक है मार्क रिकैप्चर टेक्निक है, ठीक है। तो जैसे इसकी हेडिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कोई इंडिविजुअल को पहले लिया है ना, वर्ड है उसको पहले मार्क किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसको रिकैप्चर किया, ठीक है। तो यही इस पॉपुलेशन डेंसिटी के दौरान होता है कि एक हम जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है वहां से हम कोई वर्ड है ना,
जैसे ये एरिया है, एक वर्ड लिया वहां से हमने, उसकी पॉपुलेशन हम डेंसिटी उसको वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे एक वर्ड था, ठीक है, उसको लिया, वो हमें मिला, हमने उसको मार्क किया, उसको फिर रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर वो अदर पॉपुलेशंस के साथ वहाँ की जो उसी कैटेगरी की और पॉपुलेशन है और इंडिविजुअल हैं उसकी स्पीसीज के, उनमें से मिक्सअप हो गया है ना। तो जब हमने दोबारा से उसी जब हमने इसको मार करके फर्स्ट सैम्पलिंग के दौरान इसको हमने लिया, मार के छोड़ दिया है ना, फिर ये अपनी पॉपुलेशन में मिक्सअप हो गया। तो जरूरी थोड़ी है कि जितने स्पीसीज हमने मार्क किए हैं हमें उस पर्टिकुलर एरिया में उतने ही स्पीसीज रहते होंगे, नहीं ना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोबारा से हमने सैम्पलिंग की, सेकंड सैम्पलिंग के दौरान हमें जो स्पीसीज हैं अनमार्क भी स्पीसीज मिले, ठीक है, जो ये वाले जो हमने मार्क किए थे स्पीसीज, एक तो ये मिले है ना, मार्क स्पीसीज मिले और एक अनमार्क स्पीसीज भी मिले वहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन साइज, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल इन फर्स्ट सैंपल, इंडिविजुअल इन फर्स्ट सैंपल, ठीक है, ये जो हमने पहले सैंपल में इंडिविजुअल लिए थे हमें मिले थे, हमने मार किए, फिर इनको इनकी एरिया में रिलीज कर दिया और वो अपनी पॉपुलेशन के साथ मिक्सअप हो गए, ठीक है। और दूसरी सैंपलिंग के दौरान हमें जितने भी पूरा साइज मार्क और अनमार्क दोनों का, मार्क प्लस अनमार्क्ड दोनों जो पॉपुलेशन मिली थी उसका साइज, साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, ठीक है, मार्क और अनमार्क दोनों, फिर है क्या, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सेकेंड सैंपल, ठीक है। तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल इन फर्स्ट सैंपल, ये वाले हमने मार्क जो इंडिविजुअल है पहले सैंपल में मिले, फिर साइज ऑफ सेकंड सैंपल, पूरा साइज सेकंड सैंपल का साइज, जो मार्क भी मिले थे जो अनमार्क भी मिले थे सेकंड टाइम, है ना, फिर है कि उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सेकंड सैंपल, जो सेकंड सैंपल में जो मार्क इंडिविजुअल हमने पहले सैंपल में करे थे, जो वो सेकंड सैंपल में जो मिले उससे हमने डिवाइड कर देना है, तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन साइज मिल जाएगा, ठीक है, या उस पर्टिकुलर एरिया की हमें डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये था तरीका डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, और इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट में, सेट में, ठीक है, इन सब में कोई ना कोई हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आया होता है, ठीक है। तो ये है टेक्निक पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने की, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने की। आई होप आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, और पॉपुलेशन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वो भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।